तुर्की सेना ने उत्तरी सीरिया में आतंकवादियों का सफाया करके पूरे क्षेत्र पर कब्जा कर लिया है। तुर्की की सीरियाई ऑपरेशन के विरोध में दुनिया भर के बहुत से देश बिलबिला उठे हैं। तुर्की के राष्ट्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि YPG PKK आतंकवादियों से उत्तरी सीरिया में ताल आबाद से सफाया किया गया है। तुर्की मीडिया के मुताबिक मंत्रालय ने कहा कि ताल आबाद कस्बे के सुकूल गांव को YPG PKK आतंकवादी संगठन के रूप में साफ कर दिया गया है। तुर्की ने ऑपरेशन पीस स्प्रिंग का शुरुआत किया, जो तुर्की सीरिया में सीमा पार से आतंकवाद विरोधी अभियान है। खबरों के मुताबिक जब तुर्की फौज कुर्द इलाके में दाखिल होकर एक कस्बे पर कब्जा करती है, तब उस कस्बे में एक कैद खाने में सैकड़ों औरतें और बच्चे उन्हें कैद मिलते हैं। तुर्क फौज उस कैद खाने तक पहुंचने में कामयाब हो जाती है, जहां रोने चीखने का खौफनाक मंजर होता है। तब तुर्क फौज उन्हें सलाम करते हैं तो कैदियों को कुछ तसल्ली होती है। उनमें से एक औरत उनसे पूछती है, हल अंतुम अरब, यानी कि तुम अरबी हो? तो एक तुर्क फौजी का जवाब होता है, हम तुर्क हैं। उसके बाद औरतों बच्चों के चेहरों पर सुकून छा जाता है। तुर्क फौजी बच्चों को प्यार करते हुए उन्हें तसल्ली देते हैं और फिर उन्हें उस कैद खाने से निकालकर महफूज जगह पर पहुंचाते हैं। वे मददगार लोग जिन्हें अभी भी अरबों का इंतजार है, वह अरबी जिनके आबा और अजदाद को एक बहन की पुकार पर पहुंचकर ईंट से ईंट बजा देते थे, जालिम हुक्मरान की हुकूमत उलट दिया करते थे, फिर उन्हें अब क्या हो गया है नहीं मालूम। जानकारी के लिए आपको बता दें कि अरब लीग ने सीरिया में तुर्की के ऑपरेशन का समर्थन करने से साफ इनकार कर दिया है। अरब लीग के महासचिव अहमद अबुल गाहिन ने सीरिया में तुर्की के सैन्य अभियान को अरब राज की जमीन पर हमला बताया है। और वहीं UAE के विदेश राज्य मंत्री डॉक्टर अनवर गर्गश ने भी तुर्की के हमलों की निंदा की है। उन्होंने कहा, हम तुर्की और उनकी सेनाओं के साथ साथ उन सभी विदेशी ताकतों से बाहर निकलने का आह्वान करते हैं जिन्होंने इस अरब देश का उल्लंघन किया है। अरब लीग के अध्यक्ष इराकी विदेश मंत्री मोहम्मद अली अल हकीम ने भी मिस्र द्वारा बुलाए गए एक आपात बैठक के दौरान तुर्की के हमले की निंदा की है। उन्होंने कहा, ये हमला इंसानी मुश्किलों को बढ़ाएगा और सीरियाई लोगों के दुख को और बढ़ाएगा, तुर्की को इसे रोक देना चाहिए। वहीं अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की को पहले ही चेतावनी दे रखी है कि अगर उसने हमले को नहीं रोका तो मैं तुर्की की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दूंगा। बदले में एर्दोगान ने कहा था कि हमारे साथ कोई नहीं है, लेकिन हमारे साथ अल्लाह है और इंशाअल्लाह जीत हमारी ही होगी। हम दहशतगर्दी को मिटा कर रहेंगे। रजब तैयब एर्दोगान बोले कि कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। हम इसराइल, ईरान, सऊदी अरब और अमेरिका को साफ साफ लफ्जों में बता दे रहे हैं कि हमारे मामले में दखल न दीजिए, क्योंकि हम न तो इराक हैं और न ही अफगानिस्तान, बल्कि हम तुर्क हैं। जिनकी तारीख को पहले पढ़ लीजिए, हमारे लोग अपने बुजुर्गों की रूहों को शर्मसार नहीं करते हैं। हम शुरू दिन से जंगजू कौम है और हमने जो काम शुरू किया है उसको पूरा किए बगैर पीछे हटने वाले नहीं हैं। अमेरिका या यूनाइटेड नेशन की गीदड़ भक्तियों की हमें कोई परवाह नहीं है। आपकी इस खबर पर क्या राय है कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। प्लीज सब्सक्राइब TVN Live।